My name is Harsh and she is Kelly and you're watching Harshistan. Welcome to our channel. और हम अभी कर रहे हैं यात्रा वैष्णो देवी की. ठीक है, तो जोर से बोलो जय माता दी. हम पंजीकरण की लाइन में हैं. चलो चलो आगे चलो लाइन. ऑलराइट, सो वी गॉट दिस कार्ड. ये रजिस्ट्रेशन होता है, ये यात्रा पर्ची है. जो पहले यात्रा पर्ची मिलती थी यात्रा वो बंद हो गई है. पहले आप ऑनलाइन बुक कर सकते थे, अब नहीं कर सकते. तो अब आपको यहाँ पर आकर, हर एक इंडिविजुअल को यहाँ पर आकर लाइन में लग के तब ये मिलेगा. और ये 6 आवर्स के लिए वैलिड है. तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने रात में ले लिया और आप मॉर्निंग में ट्राई करोगे इसको, तो एक्सपायर होगा. तो जी हम लोग आ गए ऑटो में. ऑटो से हम जा रहे हैं बाण गंगा. हाँ, जहाँ से चढ़ाई स्टार्ट होती है. पहले हम बाण गंगा के दर्शन करेंगे, वहाँ प्रेयर करेंगे, उसके बाद फिर वहाँ से स्टार्ट करेंगे. पहले नारी प्रसाद चढ़ता था ना मंदिर में, इस बार नहीं, नारी चढ़ रहे नहीं प्रसाद चढ़ रहे. अच्छा, सिर्फ चुन्नी चढ़ रही है मंदिर में. बस सिर्फ चुन्नी चढ़ी, खाली केले की चुन्नी चढ़ रही है. बस चुन्नी चोला छत चढ़ रहा है बस. ठीक है जी, ऐसा कुछ लेना नहीं आपने. बस ठीक है, ये तो अच्छा किया भैया. गेट से पहले लेना कि गेट पे चाकू किया जाता, फिर वो अंदर किया जाता. वो ठीक है ना, वो जो चढ़ावा करना होगा कि लास्ट मार्केट है ले ली ना आपने चढ़ावा के मंदिर में. तो आपने लाए ना पीछे से चढ़ावा भी चुन्नी वगैरह चढ़ा दिया था. गेट पे चेक होगा फिर वो अंदर जाने देते हैं. पैसा नारी परेशान जा रहे हैं अंदर, ये कह रहा हूँ मैं आपको. वो आपका मन है जैसे आपका मन है. हाँ, यूट्यूब नहीं, लोगों को बताना ना यहाँ से. जय माता दी. ये माथे पे हैं, मैंने चुनरी बांध ली है. और अभी यहाँ पर ना कुछ जैसे ऑटो वाले हैं, शॉप्स वाले इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं. कुछ कहली क्या इन्फॉर्मेशन है? वो कह रहे हैं कि अभी माता के भवन पे प्रसाद नहीं चढ़ रहा है, सिर्फ चुन्नी चढ़ रही है. नारियल वगैरह भी नहीं चढ़ रहा है. चुन्नी यहीं से ले लो, और चुन्नी यहीं से मिलेगी, ऊपर नहीं मिलेगी. तो मैंने बोला ऊपर भी तो शॉप्स हैं ना, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, अब ऊपर शॉप्स नहीं है, अब नीचे ही शॉप्स हैं. तो विल फाइंड आउट कि ऊपर शॉप्स हैं या नहीं. कमाल की बात यह है कि जब मैंने उसको बोला ना ये इन्फॉर्मेशन आप कैमरे पे दो, वरना भाग गया वहाँ से. बोला मैं नहीं दूंगा कैमरे पे. मैंने बोला इसको नहीं, इसका कैप्चर करो भैया, आप बता दोगे ना ये ऐसे ऐसे है. तो बोला नहीं मैं नहीं बताऊंगा, आप बता. सीट भरी हुई है यार, ये लोग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन क्यों देते हैं. चलो चलते हैं. ये है बाण गंगा. पर यहाँ तो हालत खराब है भाई. राइट, सो अभी हम हैं बाण गंगा में. और ये है पीछे बाण गंगा. और यहाँ का सिग्निफिकेंस क्या है? जय माता दी. तो माता वैष्णो देवी की जो कथा है वो ऐसे स्टार्ट होती है कि माता के एक भक्त थे श्रीधर, मुझे नाम कंफर्म नहीं है. तो एक दिन वो कंच को भी पूजा रखते हैं, तो उसमें माता भी उनके घर में आती है. फिर उसके बाद जब पूजा पूरी हो जाती है तब सब चले जाते हैं, लेकिन माता वहीं रहती है और अपने भक्त को कहती है कि कल हम यहाँ पर तेरे घर में भंडारा रखेंगे, जिसमें गोरखनाथ जी और उनके शिष्य भैरवनाथ जी को भी बुलाया जाता है. तो जब वो खाना परोस रही होती है माता उन्हें, तो भैरवनाथ जी उन्हें बोलते हैं कि मुझे मांस खाना है. इसमें माता उसे मना करती है कि यहाँ पर मांस नहीं मिलता, ये ब्राह्मण का घर है. तो वो माता का हाथ पकड़ता है और उन्हें पकड़ने लगता है. तब माता डर जाती है और उनसे भागने लगती है. वैसे बोलते हैं कि जब माता भाग रही थी तो उनके साथ साथ हनुमान जी भी भाग रहे थे. और भागते भागते जब हनुमान जी को प्यास लगी तो माता ने उनके लिए बाण मार के एक नहर निकाली, जिसको बोलते हैं बाण गंगा, जहाँ से हमारी यात्रा स्टार्ट होती है. और उसके बाद लोग बोलते हैं कि माता भाग क्यों रही थी. तो माता इसलिए भाग रही थी क्योंकि माता उस वक्त अपने बाल स्वरूप में थी और उन्हें अपनी शक्तियाँ जागृत करनी थी. इसके लिए माता फिर 9 महीने के लिए गर्भजून में जाकर बैठ जाती हैं और अपनी तपस्या करती हैं. जब माता वहाँ से बाहर निकलती हैं तब वो भैरवनाथ का संहार करती हैं. जहाँ संहार होता है भैरवनाथ का, वो जगह है माता का भवन. और जहाँ पर भैरवनाथ का सर गिरता है वो है भैरवनाथ. जय माता दी. हाँ, तो ये दूसरा स्थान है चरण पादुका. यहाँ पर माता ने जब पीछे मुड़कर देखा था एक बार भैरवनाथ को, एक पल के लिए रुके थे, तो यहाँ पर माता के चरण वो चिन्ह हैं, तो जिन्हें बोलते हैं चरण पादुका. अभी हमने उसके दर्शन किए और अब हम आगे चलेंगे. Thank you.
जी चलो जल्दी आओ। ये है अर्धकुंवारी, यहाँ पर माता ने 9 महीने तपस्या की थी। यहाँ पर नंबर लेना पड़ता है, पर्ची बनवानी पड़ती है। हमारा पर्ची का नंबर है 496 और यहाँ पे ग्रुप में लोग जाते हैं। हर ग्रुप में 15-20 पीपल होते हैं। अभी चल रहा है ग्रुप नंबर 340, तो अभी हमारा 496। हाँ, 496 कल तक ही नंबर है, कल तक आएगा या मॉर्निंग तक आएगा पता नहीं। अभी हम पता करते हैं फिर आपको बताते हैं। उधर ऊपर जाके गुफा है और लाइन है इसकी यहाँ तक लगी हुई है भाई, ये देख रहे हो। यहाँ से लोग वेट कर रहे हैं, ये दर्शन हो गए, ठीक हो गए। लाइक फॉर फ्यू सेकंड्स, कपल ऑफ सेकंड्स दर्शन हो गए हैं। दिस वाज टायरिंग, दिस वाज रियली टायरिंग। दर्शन होके हम वापस भी आ गए, हमने खाना भी खा लिया है। और दर्शन करने के लिए मुझे सिर्फ फ्यू सेकंड्स लगे, नॉट कपल ऑफ सेकंड्स, मतलब दो सेकंड तक, मतलब हमने देवी को देखा है, नॉट मोर देन 2 सेकंड्स, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। हाँ, लेकिन हमारा ऐसे अच्छा हो गया ना कि हम लोगों को लाइन में भी कम लगना पड़ा। हम लोग लाइन में लगे, 10 मिनट के बाद हमें दर्शन हो गए और दर्शन भी अच्छे से हुए। हाँ, ऐसा नहीं था कि दर्शन नहीं हुए, बल्कि वो लोग जितने भी वहाँ पे पंडित थे वो सबको बोल रहे थे कि आंखें मत बंद करो, अपने हाथ जोड़ो और माता को देखो। बट लोगों का होता है ना कि भाई जैसे ही भगवान आ रहे हैं तो भाई आंखें बंद कर लेते हैं, तो वो बार बार रिपीट कर रहे थे कि आंखें मत बंद करो, भगवान के दर्शन करो। तो हमने भी करे और मेरे तो अच्छे हुए, मेरे भी अच्छे हुए। जय माता दी, जय माता दी। सो फाइनली हमने दर्शन कर लिए हैं भैरवनाथ के और दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं। हम लोग वैष्णो देवी से पैदल ऊपर करीब 1.5 या 2 किलोमीटर के आसपास है ना, तो पूरा ही पैदल किया है ना। हाँ, पूरा ही पैदल किया है। इट्स एन अमेजिंग फीलिंग। अच्छा किया, यहाँ पर भी ऐसे ही था कि भैरवनाथ के दर्शन करने के लिए वो लोग बोल रहे थे कि आप भैरवनाथ के दर्शन करो, जल्दी जल्दी चलो। तो दर्शन अच्छे से हुए भैरवनाथ जी हैं और उनके साथ में हनुमान जी भी। हनुमान जी के लिए हमें लाइन में लगना पड़ा 15 मिनट, क्योंकि आरती चल रही थी। जिन लोगों को भी आना हो तो वो 5:30 से 8 बजे वाला टाइम अवॉइड करें। 5:30 से 8 बजे तक आरती होती है, तो आपको वो टाइम अवॉइड करना चाहिए। अगर आप आ रहे हो तो उससे पहले आओ, 5:30 से या 8 बजे के बाद आओ, क्योंकि अगर आप आते हो तो आपको लाइन में वेट करना पड़ेगा। और अगर आप इस टाइम के पहले या बाद में आते हो तो आपको बहुत अच्छे दर्शन होंगे, आपको वेट भी नहीं करना पड़ेगा। हम लोग अभी आए थे भैरवनाथ पे 7:45, तो हमें 15 मिनट वेट करना पड़ा और उसके बाद हमारे दर्शन हो गए। दर्शन 2 मिनट में हो जाते हैं, तो आप लोग ना अपनी प्रेयर पहले से ही कर लेना। सो डे एंडेड नाइसली, वी आर एट भैरवनाथ का मंदिर और यहाँ पर आज का दिन खत्म होता है। और अभी हम जाने वाले हैं वापस, कहाँ जाने वाले हैं? अभी हम वापस भवन पे जाएंगे, वहाँ पर हमने लॉक कर लिया है, लॉकर से अपना सामान लेके फिर हम नीचे जाएंगे। कहाँ जाएंगे नीचे? अर्धकुंवारी पे। अर्धकुंवारी नहीं जाएंगे, कटरा जाएंगे यार। अर्धकुंवारी पे नहीं जाना है? हाँ, एक्चुअली मैं भूल गई कि हमने पर्ची लेकर रख दिया, हमारा अर्धकुंवारी में अभी नंबर नहीं आया, तो हम वहाँ जाएंगे। वैसे 24 आवर्स की वेटिंग भी है उसमें।
हाँ, तो अभी हम जाएंगे चेक करेंगे। जब हम आए थे तो 396 चल रहा था और हमारा है 496। ऑलराइट, सो डू लाइक द वीडियो, हिट द सब्सक्राइब बटन, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना और शेयर इट इफ यू लाइक द इंफॉर्मेशन दैट वी गिव यू। ओके, हैव अ ग्रेट टाइम गाइस, बाय बाय। जय माता दी। यहाँ उस घर पे लोग सोए हुए हैं। रात के 1 बज रहा होगा अभी।